जीना चाहता हूं उस देश के लिए। वो बर्फ की घाटी में आंसू हो गया होगा। दो लाइनें मेरे पास उस सैनिक के सम्मान में, और कैप्टन मनोज पलवार की जमीन पर खड़ा हूं तो मेरे पास अच्छी अच्छी लाइन आज की शाम नहीं। वो बर्फ की घाटी में आंसू को अगर क्यों मर गया होगा सर, 6 दिन तक जिंदा था वो बर्फ के नीचे, इतिहास का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, 6 दिन तक कोई -35 डिग्री में जिंदा रहे। और आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 24 घंटे के लिए उसे दिल्ली मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया गया, 24 घंटे में उस बेटे ने दम तोड़ दिया। मैं हैरत में था, जो 6 दिन तक जिंदा रहा वो 24 घंटे में मरा कैसे, जबकि उस समय तो उसे सारे ट्रीटमेंट दिए जा रहे थे। दो घटनाएं जेएनयू और कश्मीर में घट रही थी, मैं केवल इशारा कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, लोग कहते हैं मुझसे मैं वीरस का कवि हूं, मैं कोई वीरस का कवि नहीं हूं सर, मैं बगावत का कवि हूं, मैं एक विभागीय भीड़ में तैयार कर दूं। तो बर्फ की घाटी में आंसू हो गया होगा, मैं दावा करता हूं, अपनी तालियां रोक के बताइए इस लाइन पर, वो बर्फ की घाटी में आंसू हो गया होगा, सितारा टूट कर अंबर में कब का खो गया होगा, क्यों मरा, दो लाइन पर मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं। वो बर्फ की घाटी में आंसू हो गया होगा, सितारा टूट कर अंबर में कब का खो गया होगा, वो जीना चाहता होगा अभी भी देश की खातिर, मगर गद्दारों को देखा तो फिर से सो गया होगा।